ये जो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो ये ब्लिट्सवुल्फ के ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स हैं, जो कि ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। और आपको ईयरबड्स एक अट्रैक्टिव ब्लैक कलर के ग्लॉसी फिनिश वाले बॉक्स में दी गई है, जो कि एक चार्जिंग बॉक्स भी है। आप डायरेक्ट यहीं से चार्ज कर सकते हो ब्लूटूथ ईयरबड्स को, और ऑब्वियसली आपको इस बॉक्स को भी चार्ज करना पड़ेगा। पीछे माइक्रो यूएसबी एक पोर्ट है, और क्योंकि ये ब्लिट्सवुल्फ की तरफ से है तो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लिट्सवुल्फ एक रिनाउंड ब्रांड है, बहुत सारे गैजेट्स बनाती है। आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं, बैंगगुड पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। मैंने इस प्रोडक्ट की लिंक बाइंग लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में। इस प्रोडक्ट को मैं पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूँ, तो मैं पूरी अनबॉक्सिंग यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। अगर पूरी अनबॉक्सिंग आप देखना चाहते हो तो मैंने आई बटन पर लिंक दिया है, साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो लगभग मैं 30 दिन से इस प्रोडक्ट को डे इन डे आउट ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ कर रहा हूँ। सो हे गाइस, मेरा नाम है अपूर्वा, आप देख रहे हैं स्मैकटेक यूट्यूब चैनल, और यह है मेरा फुल रिव्यू ब्लिट्सवुल्फ ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स के लिए। इस रिव्यू के दौरान मैं आपको इस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स सारे यहाँ पर बताऊँगा। हालाँकि कॉन्स मैंने बहुत कम यहाँ पर नोटिस करी है, लेकिन फिर भी आपको बताऊँगा। मैं यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 की बात कर रहा था, तो स्टेबल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिलता है। कनेक्टिविटी में आपको कोई इशू नहीं होने वाली है, किसी भी स्मार्टफोन से आसानी से पेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लूटूथ 5.0 सपोर्टेड स्मार्टफोन आपको चाहिए, ब्लूटूथ 4.0 4.2 सपोर्टेड किसी भी स्मार्टफोन में ये प्रोडक्ट आसानी से आप पेयर कर सकते हैं। और जो पेयरिंग रेंज है ये 10 मीटर की है, उससे ज़्यादा दूर जाएंगे तो यहाँ पर कनेक्शन छूटने लगती है। जैसे ही आप ईयरबड्स को जो चार्जिंग बॉक्स है वहाँ से निकालेंगे, ये खुद ब खुद स्विच ऑन हो जाएगी, और जो लेफ्ट वाली ईयरबड है वो पहले राइट वाले से कनेक्ट करती है, और जो राइट वाली ईयरबड है वो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होती है। और यहाँ पर जैसे आप ईयरबड्स को बॉक्स में फिर से रख देंगे वो खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाएगी। ये जो चार्जिंग बॉक्स आप देख पा रहे हैं ये प्रोडक्ट की अपीलिंग और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, और बहुत ज़्यादा यूज़र कन्वीनियंट है, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान आपको बहुत यहाँ पर ईज होगी। और इसकी जो कैपेसिटी है, बैटरी कैपेसिटी, ये 700 मिली एम्पीयर की फुल कैपेसिटी के साथ आती है ये चार्जिंग बॉक्स, और आप किसी भी 5 वोल्ट 2 एम्पीयर के 10 वाट चार्जर से इसे एक घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। एक घंटा चार्ज करेंगे तो आप दोनों ईयरबड्स को लगभग 4 बार पूरे दिन में आसानी से चार्ज करके रख सकते हैं, और 12 घंटे का यहाँ पर मिक्स यूजेस में आपको बैकअप आसानी से मिल जाएगा। कॉल्स म्यूज़िक वगैरह आप आसानी से यहाँ पर पूरे दिन, मतलब 12 घंटे तो मतलब 24 घंटे तो यूज़ नहीं करोगे, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा आपको यहाँ पर जो बैकअप मिलेगा, मतलब अगर आपका जो चार्जिंग बॉक्स है फुल चार्ज हुआ तो। अगर आप वर्कआउट करते हैं, खेल कूद करते हैं, उसके दौरान भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपके कान से गिरेगा नहीं। आप देख पा रहे हो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ गिराने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है गिरता नहीं है। इसकी फिटिंग्स बहुत अच्छी है, हालांकि थोड़ा बल्की दिखता है, चंकी दिखता है, लेकिन फिर भी जो बहुत हल्का है और कम्फर्टेबल है, आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये जो प्रोडक्ट है ये IPX4 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आती है, मतलब हल्के फुल्के बारिश में इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्विम करने की या एकदम पानी में यूज़ करने की बात आप एकदम ना सोचें। और जो ईयरबड्स हैं उसमें आपको इंडिविजुअल चेंबर्स देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर 10 मिलीमीटर की टाइटेनियम फिल्म डाइवर्स आपको देखने के लिए मिलती है। बोलने का मतलब यह है कि जो साउंड की क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइज़ है एंड लोज़ है वो आपको प्रोमिनेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो लाउडनेस है यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको डिसेंट लाउडनेस आप इस प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हर एक ईयरबड जो है 50 मिली एम्पियर की यहाँ पर जो है बैटरी कैपेसिटी है, 50 मिली एम्पियर की। अगर बॉक्स पूरा चार्ज हुआ तो आप दोनों ईयरबड्स को पूरे दिन में 4 बार से ज़्यादा जो है फुल चार्ज कर सकते हैं। 12 घंटे की यहाँ पर बैकअप है, अगर आप कॉल भी लेते हैं 12 घंटे से ज़्यादा आपको यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर जो है बैकअप इससे ज़्यादा आपको मिलेगा, और मिक्सड यूजेस में तो 12 घंटे से ऑब्वियसली ज़्यादा ही मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये सीरी को सपोर्ट करती है। अगर आपके पास आईफोन है तो आपको यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट के साथ आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ये दुख की बात है, बहुत बड़ा कौन है कि ये गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट नहीं करती है। साथ ही में अगर आप एक बाइकर हैं, ट्रैवल करते हैं, बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहन के चलाते हैं, अगर आप एक अच्छी ब्लूटूथ ईयरबड की जो है तलाश में है तो आप इस प्रोडक्ट को ना लीजिए, मत लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा चंकी है। हालांकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन थोड़ा चंकी होने के कारण जो है हेलमेट के साथ ये सपोर्ट नहीं होगा। तो हेलमेट यूज़ करते हैं तो आप दूसरा कुछ ईयरबड जो है तलाश करें मार्केट में। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं और अच्छे ब्लूटूथ ईयरबड की तलाश में है तो आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर यहाँ पर जो है लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जिंग बॉक्स आपको दिया गया है, चार्जिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैसल फ्री है, क्योंकि एक बार बॉक्स को चार्ज कर लेंगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा आसानी से। और बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है, छोटा है,
आपको जो है बैग में रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आसानी से पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। तो जो प्रोज है बहुत ज़्यादा है कॉन्स से, हालांकि कॉन्स मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो है गूगल वॉइस असिस्टेंट को सपोर्ट नहीं करता है, थोड़ा सा चंकी है, अगर बाइकर है तो हेलमेट के साथ यूज़ इसे आप नहीं कर पाओगे। तो लगभग यहाँ पर मैंने इसे बहुत दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, यूज़र कन्वीनियंट है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट बताएं, लाइक करें इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक जो चीज़ मैंने आपको इस रिव्यू के दौरान नहीं बताई वो है इंडिकेटर लाइट्स। इस ब्लूटूथ ईयरबड में आपको ब्लू एंड रेड कलर की इंडिकेटर लाइट्स देखने के लिए मिलती है। जब ये पेयरिंग होती है ब्लू एंड रेड इंडिकेटर लाइट्स दोनों एक साथ जलती है, और जब ये चार्ज होगी तब यहाँ पर रेड इंडिकेटर लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। ईयरबड्स में ही बॉक्स के ऊपर से आप चार्ज होते टाइम रेड कलर की इंडिकेटर लाइट देख सकते हैं, और जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगी तो आप वो जो लाइट है वो ब्लू में आपको देखने के लिए मिलेगी, और ब्लू है तो आप समझ जाइए कि फुल चार्ज हो चुकी है। जो बॉक्स है यहाँ पर आपको ग्रीन इंडिकेटर लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, चार इंडिकेटर लाइट है, हर एक लाइट की कैपेसिटी आप 25% पकड़ के चल सकते हैं, और चारों को जोड़ेंगे तो 100% यहाँ पर आपको फुल कैपेसिटी आपको यहाँ पर मिलती है। इन ईयरबड्स में आपको जो है मल्टीफंक्शनल बटन भी दी गई है जो राउंड शेप में है, थोड़ी सी बड़ी है, उसे यूज़ करके आप जो है कॉल रिसीव एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपको स्मार्टफोन से जो है आपको पॉकेट से निकालना नहीं पड़ेगा, स्मार्टफोन के बिना ही आप जो है कॉल रिसीव एंड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। गाना सुन रहा है तो प्ले पॉज और प्रीवियस वाला और नेक्स्ट वाला सॉन्ग भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक बुकलेट दी गई है, ऐसे करना है आप जो है प्रोडक्ट की बुकलेट में जाके आसानी से आपको मिल जाएगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आप प्रोडक्ट को ले रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बैंगवुड में है, मैंने प्रोडक्ट की लिंक दे के रखी है और अनबॉक्सिंग भी मैंने करी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।